स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से भी दीदी नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और जानकारी प्राप्त करते रहें दीदी। जी हाँ, आपको स्वयं सहायता से जुड़ी उसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएँ चलाई जाएंगी सबकी जानकारी आपको प्रेरणा टीवी चैनल के माध्यम से तुरंत मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप एक स्वयं सहायता समूह की महिला हैं, जी हाँ, अगर दीदी अगर आप डे एनआरएलएम में जुड़ी हुई हैं तो आप सभी से निवेदन है कि प्रसूत का पालन जरूर करें। जी हाँ, साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक उधार, समय से ऋण वापसी, लेखा जोखा, इन पंचसूत्रों का दीदी आप लोग पालन किया कीजिए, तभी आपके समूह को वरीयता दी जाएगी। चलिए दीदी, ज़्यादा न बात करते हुए मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। जी हाँ, समूह की सखियाँ तैयार करेंगी पोस्टर, हर मिलेगा रोजगार। जी हाँ, समूह की सखियाँ जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। समूह की सखियाँ तैयार करेंगी पोस्टर, हर मिलेगा रोजगार। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोस्टर पहुंचाने की जिम्मेदारी अब समूह की महिलाओं पर है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोस्टर पहुंचाने की जिम्मेदारी अब समूह सखियों की होगी, जैसे कि पहले भी था। वे पोस्टर तैयार करेंगी, इस बात का विशेष ध्यान दें कैसे करना है काम। वे दीदियां जो समूह की महिला हैं वे पोस्टर तैयार करेंगी और केंद्रों पर पहुँचाएँगी। इसके लिए चार ब्लॉकों में न्यूट्रिशमेंट्स प्लांट लगाए जाएंगे, चहनिया, चकनिया, चंदौली और सकलडीहा ब्लॉक में। प्लांट लगाने के लिए मशीन आ चुकी है। प्रत्येक प्लांट में 75 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। उसके साथ साथ ही दीदी उन्हें 12,000 रुपए तक के मानदेय व कमीशन अलग से दिया जाएगा। महिलाओं का ऑनलाइन पंजीकरण हो चुका है। अति पिछड़े जिले में कुपोषण से जंग को धार देने के लिए पहल की जा रही है शासन की। जी हाँ, शासन ने कुपोषण से जंग में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं की मदद लेने का निर्णय लिया था। इसके तहत अति पिछड़े जिले में पोष्ट आहार तैयार करने के लिए प्लांट लगाने की योजना बनी थी, इसलिए रूपरेखा तैयार होने के बाद स्थान का चयन कर लिया गया है। प्लांट के लिए मशीन भी जिले में पहुंच चुकी है। पहले चरण में चहनिया चकिया, चंदौली और सकलडीहा ब्लॉक में प्लांट लगाए जाएंगे। यह हर ब्लॉकों में दीदी लगाए जाएंगे आगे चलकर और सभी दीदियों को रोजगार मिलेगा। तो अगर आप सभी को ये रोजगार चाहिए तो हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के साथ जुड़े रहें। जी हाँ, प्रत्येक प्लांट में 75 महिलाएं काम करेंगी, उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराया जाएगा। इससे पोष्टिक आहार तैयार करेंगी और पैकेजिंग कर आंगनबाड़ी केंद्रों पर इसकी आपूर्ति करेगी। प्रत्येक महिला को 12,000, जी हाँ ध्यान दें, प्रत्येक महिला को 12,000 रुपये मानदेय व कमीशन निर्धारित किया गया है। इस तरह जिले के चारों प्लांट में कुछ 300 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं स्थानीय स्तर पर पोस्टर व दलिया तैयार होने से कुपोषण से जंग भी आसानी होगा। जल्द ही इंजीनियरों की टीम जिले में पहुंचेगी और मशीनों को प्लांट में लगाया जाएगा। इसके बाद उत्पादन शुरू हो जाएगा। जुलाई से प्लांट चालू होने की उम्मीद है। महिलाओं को दिया गया प्रशिक्षण, समूह की महिलाओं को मशीन संचालित करने के लिए बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया। इंजीनियरों को टीम इन्हें एक बार मशीन को संचालित कर पोष्टाहार व दलिया तैयार करने का तरीका बताएंगी ताकि किसी तरह की दुविधा ना रहे। कौशल विकास मिशन व बाल विकास विभाग के संयुक्त पहल से अति पिछड़े जिले में कुपोषण के अभिशाप से निजात मिलने की उम्मीद जागी है। ब्लॉकों में न्यूट्रीमैक्स प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। जल्द ही जिले के चार ब्लॉकों में प्लांट शुरू कर दिए जाएंगे। यह समूह की महिलाएं पोष्टिक आहार और दलिया तैयार करेंगी, इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों पर आपूर्ति करेंगी। इसके बदले में उन्हें मानदेय व
इंस्टीट्यूट मिलेगा एमपी 24। यह काम दीदी हर ब्लॉकों पे कराया जाएगा। आप जिस भी ब्लॉक में हो, जिस भी ज़िले में हो, आप सभी को इसी प्रकार काम दिया जाएगा। जी हाँ, करना क्या होगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा अपने समूह पर। इस बात को मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ, दोहराती रहती हूँ कि अपने समूह को सक्षम करिए, सक्रिय करिए, क्योंकि जो है, जो भी योजनाएं दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, स्वयं सहायता समूह के द्वारा, DNRLM के द्वारा, उन्हीं दीदियों को दिया जाता है जो सक्रिय होती हैं, जो अपना पहले समूह अच्छा से चला रही हूँ। इस बात पे ध्यान देना होता है कि जो समूह अपने अच्छे से चलाएगा वही दीदी आगे काम कर पाएंगी, उन्हीं दीदियों को काम दिया भी जाता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ आप लोग पंचसूत्र का पालन करते रहिए और रोज़गार पाते रहिए। तो रोज़गार पाने के लिए पहले तो पंचसूत्र का पालन करिए। ध्यान दीजिए, हर आंगनबाड़ी में ये होने वाला है। जी हाँ, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोष्टाहार पहुँचाने की जिम्मेदारी अब समूह की सखियों की होगी। वे पोष्टाहार तैयार करेंगी और केंद्रों तक पहुंचाएंगी। इसके लिए 4 ब्लॉकों में न्यूट्रीमैक्स प्लान लगाए जाएंगे। उसके बाद दीदी हर स्थान पे लगाने वाले हैं। जी हाँ, ये नहीं कि बस मैंने आपको 4 बता दिया तो 4 में ही लगेंगे, यह हर जिला हर ब्लॉक में लगाए जाएंगे। तो चहनिया, पहले जैसे अभी मैंने बताया कि 4 है, चहनिया, चकियाँ, चंदौली और सकलडीहा ब्लॉक में प्लांट लगाने की लिए मशीन आ चुकी है। प्रत्येक प्लांट में 75 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। उन्हें 12,000 रुपये महीने मानदेय व कमीशन अलग से दिया जाएगा। महिलाओं और ऑनलाइन का पंजीकरण हो चुका है। अति पिछड़े जिले में कुपोषण से जंग को हराना है देने के लिए पहल की जा रही है। शासन ने कुपोषण से जंग में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं की मदद लेने का निर्णय लिया था। इसके तहत अति पिछड़े जिले में पोष्टाहार तैयार करने के लिए प्लांट लगाने की योजना बनी है। इसके लिए रूपरेखा तैयार होने के बाद स्थान का चयन कर लिया जाएगा। दीदी आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि यह हर ज़िले में होने वाला है, हर ब्लॉक पे होने वाला है और दीदियों का चुनाव भी होने वाला है कि किन किन दीदियों को रोज़गार दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने समूह पर ध्यान देना होगा, रजिस्टर को सही करना होगा, क्योंकि जब यह रोज़गार आपके ब्लॉक के थ्रू आएगा, आपके ज़िले पर आएगा, तो वहाँ भी प्रस्ताव लिखा जाएगा और दीदियों की मांग होगी, तो आपका चुनाव कैसे होगा आपके समूह के रजिस्टर से। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने समूह का रजिस्टर अच्छे से लिखिए और सही ढंग से लिखिए, गलत नहीं रहना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमारे प्रेरणा टीवी चैनल पर आकर सारे रजिस्टर की जानकारी ले सकती हैं। तो चलिए दीदी, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप करें, मैसेज करें कि जो दीदियों को नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, वो दीदी हमसे जुड़ सकती हैं। जी हाँ, हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के साथ। धन्यवाद।